तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। यार देखो, अकॉर्डिंग टू मी इंडियन एजुकेशन सिस्टम पहले अच्छा था, जो कि हमारे गुरुकुल में पढ़ा जाता था, लेकिन अभी का उतना अच्छा नहीं है। वन से लेकर 12 तक तो नहीं है, 12 के बाद आगे अपॉर्चुनिटी है, आप लोग आगे बढ़ सकते हो। तो ओवरऑल कुछ कर तो सकते नहीं यार, क्या कर सकते हैं, एक लोग के बोलने से कोई कुछ नहीं होता। बट अगर आपका थिंकिंग कुछ अलग है और आप लाइफ में कुछ और करना चाहते हो, कुछ और से मतलब कुछ बेहतर, कुछ अलग, कुछ यूनिक, आपका माइंडसेट अलग है, तो यार अपने स्किल्स पे काम करो, ठीक है? अपने ऊपर काम करोगे लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, अपने ऊपर काम नहीं करोगे लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। किसी भी चीज़ में जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो उसी काम को करना, क्योंकि अगर वो चीज़ तुम नहीं करोगे और ज़बरदस्ती किसी भी फील्ड में आओगे तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुमको लगेगा वो तुम्हारे लिए मतलब एक बोझ टाइप का है। लेकिन करियर वही चूज़ करना जिससे तुम्हारा मन लगे, और कोई करियर चूज़ मत करना। क्योंकि यार देखो, करियर चूज़ करने का मतलब ये है ना, अगर तुम कोई करियर चूज़ करते हो या फिर वो चीज़ें चूज़ करते हो जो तुमको पसंद नहीं है, तो तुमको वो ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, तुम्हारा मन नहीं लगेगा लेकिन तुमको करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम कोई ऐसा चीज़ चूज़ करते हो जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, भले ही दूसरों के लिए वो इरिटेटिंग क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हारा मन लगता है तो यार तुम कर जाओगे। तो यार हमेशा वही चीज़ें चूज़ करो जो तुमको पसंद है, वो चीज़ें चूज़ ना करो जिससे तुम्हारा मन नहीं लगता या फिर तुम्हारे करने का इच्छा नहीं करता। अगर तुम्हारी थिंकिंग अलग है, तुम दूसरों से अलग करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो लाइफ में, तो यार अपने स्किल से हमेशा काम करना, चाहे वो बोलने का स्किल हो, कुछ सीखने का स्किल हो, हर दिन कुछ नया सीखो। और यार देखो, बिल गेट्स ने एक थॉट कहा था कि अगर एक मछली अगर ये सोचे कि अगर वो बंदर की तरह छलांग लगाए पेड़ पे, तो यार वो ज़िंदगी भर ये सोचती रह जाएगी कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। तो अपने पोटेंशियल को समझो, हर इंसान हर काम के लिए नहीं बना होता, आपका जिस काम में मन लगता है वही काम करो, जिस काम में मन नहीं लगता उसको छोड़ दो, ठीक है? एक बिल्कुल छोड़ दो, उसको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप 1 to 12 किसी भी क्लास में हो, किसी भी स्टैंडर्ड में हो, तो यार इस बात को समझ लो, जो आप पढ़ रहे हो उसका कोई यूज़ नहीं होने वाला। उसका यूज़ लाइफ में होता है लेकिन उसका यूज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है? एज ए स्टूडेंट हम उसका यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन उसका यूज़ होता है, चाहे मैथ का फॉर्मूला ही क्यों ना हो, फिजिक्स का कोई थ्योरम ही क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं यूज़ होता है, बट हम उसका यूज़ नहीं करते हैं अपनी डेली लाइफ में। कुछ चीज़ों का यूज़ डेली लाइफ में करते हैं, कुछ चीज़ों का नहीं करते हैं। तो इस बात को समझ लो कि अगर तुम्हें कुछ करना है ना, तो कुछ अलग करना पड़ेगा, या फिर कह लो कि दूसरों से हटके वो आइडियाज़ के बारे में थिंकिंग करो जो कोई नहीं सोचता। क्योंकि यार देखो, इंडिया में सबसे बड़ा एक अच्छा है कि लोगों के पास पैसा भले ही ना हो, दिमाग है। अगर मान लो चार फ्रेंड्स है, तो हमारे ही चार फ्रेंड्स हैं, हम लोग कहीं जाते हैं तो सबका थिंकिंग थोड़ा सा बिजनेस टाइप का है। वो लोग चले जाते हैं, मतलब अगर हम लोग चाय के टपरी पर ही बैठे हैं तो पैसे कैलकुलेट करने लगते हैं कि यार ये तो एक बीटेक वाले बंदे से ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है? एक एवरेज बीटेक वाले बंदे की बात कर रहा हूँ मैं, वरना कुछ लोग बीटेक भी होते हैं जो अच्छा खासा उखाटते हैं, कुछ लोग क्या बहुत ज़्यादा ही हैं। तो कोई यार, तो ओवरऑल किसी भी फील्ड में जाओ, पहले से डिसाइड कर लेना कि उसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है। हाँ, अगर ये बता देना कुछ अलग करना है, तो यार अपने ऊपर काम जरूर करना। कुछ अलग कहने से मतलब है मेरा कि रिचेस्ट पर्सन में आना, या फिर तुम्हारे सपने कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, ठीक है? अगर तुम्हें तुम्हारे सपने औकात से ज़्यादा बड़े हैं तो लोग तुम्हें पागल बोलते हैं, बोलने दो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो अपने आप पे हमेशा काम करते रहो, क्योंकि एक दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना, तो वही लोग आपके आगे पीछे के दौड़ेंगे, भाई मुझे बता दे, मुझे बता दे, ठीक है? आपको इस स्ट्रगल में कोई साथ नहीं रहेगा, ये हकीकत है, ये फैक्ट है, ये मान लो, कोई भी हो, चाहे फैमिली सपोर्ट नहीं करती बहुतों की, मेरी तो करती है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो यार आगे बढ़ो, ठीक है? क्योंकि बहुत लोगों की फैमिली में सपोर्टिव नहीं होती है। अगर किसी का माइंड सेट बिजनेस का है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली जल्दी बिजनेस का स्टार्टअप नहीं कर सकती है। तो आप अपने ऊपर काम करो, ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हो और अपने आप को एक स्किल्स डेवलप कर सकते हो, अपने आप को निखार सकते हो। एजुकेशन सिस्टम को दोष देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? जिसको करना होता है वो कर ले जाता है, कुछ नहीं करना होता यार वो दूसरों को सिर्फ दोष देता रहता है कि ये नहीं है वो नहीं है। तो जो हो रहा है होने दो, उसको साथ में लेके बहुत ज़्यादा फोकस ना होके अपने उस स्किल्स पर काम करो जिसमें तुम्हारा मन लगता हो। जैसे कि मान लो तुमको कुछ एग्जाम्पल ले ले रहा, तुमको करोड़पति बनना है, तो सबसे बड़ी बात है कि तुम सोच पा रहे हो, बहुत लोग को सोच भी नहीं पाते हैं। अगर तुम्हारे सपने औकात से बड़े हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है यार, क्योंकि अगर मैं सोच रहा हूँ मुझे चांद पे पहुँचना है और मैं उसके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, भले से मेरे कोई साथ है ना है,
डजेंट मैटर, क्योंकि सोचा मैंने है तो करना मुझे ही पड़ेगा। आपके लाइफ में लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कौन आपके साथ है कौन नहीं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो आपके लाइफ में जिनकी थिंकिंग ऐसी होती है जिससे मैच हो जाती है और वो साथ में करना चाहते हैं और आप स्टार्ट कर देते हो, तो बहुत ही कम लोग मिलेंगे आपको ऐसे। लेकिन जब मिल जाते हैं तो आप जल्दी बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हो। अगर नहीं मिलते हैं तो थोड़ा सा वक्त लगता है, तो अपने ऊपर काम करते रहो। आप जैसे ही थोड़ा सा ग्रो करोगे ना, वो कहते हैं ना सफलता की सबसे पहली सीढ़ी थोड़ी सी हार्ड होती है या फिर सबसे बड़ी होती है, उसको आप क्रॉस कर लो, फिर आपके पीछे लोगों की लाइन लग जाएगी कि भाई आप थोड़ा सा कहीं से भी थोड़ा सा अर्निंग करना शुरू कर लो। किसी प्लेटफॉर्म से फ्रीलांसिंग, ड्रॉप शिपिंग, यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू कर दो। अगर अच्छा वीडियो बन रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर जिस दिन अर्निंग आने शुरू होती है, इंस्टाग्राम पर पेज बना लो, मतलब बहुत सारे रास्ते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अपने ऊपर काम करो। अपने ऊपर काम करोगे, एक स्टेप क्रॉस करोगे, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, काफ़ी लोग तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन जो तुम्हारी पहली सीढ़ी है ना, उसे तुम्हारे साथ कोई नहीं देगा। कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो करना तो चाहते हैं बट कंडीशन ऐसी होती है कुछ कर नहीं पाते, तो ओवरऑल एक्सक्यूज़ देने का कोई मतलब नहीं है। करना तुम्हें, क्योंकि सोच तुम्हारी है और तुम्हें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा ना, अगर तुम्हारी सोच चांद तक पहुँचने की है और मैं कह रहा हूँ तुम हार्डली वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हो, मैं कहता हूँ तुम बीच रास्ते तक पहुँच जाते हो ना मेहनत करते करते, तो तुम उन बहुतों से आगे निकल जाओगे जो तुम्हारे साथ थे। तो अपने ऊपर काम करो ओवरऑल हमेशा, ठीक है? तो किसी की मत सुनो, फ़र्क नहीं पड़ता, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो अपने ऊपर काम करते रहो। और लोगों को काम ही बोलना, कितनों की सुनोगे यार, दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है? तो अपने ऊपर काम करते रहो और स्किल्स को निखारो। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो ज़रूर बताना, और कुछ बुरा हो तब भी बताना कि मैं किन किन चीज़ों पे और बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि तो कमियाँ सब में होती हैं और मैं चाहता हूँ कोई मेरी कमियाँ गिनाए। आप मेरी कमियाँ गिनाओगे ना तो मैं उस पर वर्क करूँगा, ठीक है? तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।